हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आफ्टर सो लॉन्ग आई एम बैक हियर अगेन विथ आवर CMA फाइनल SFM चैप्टर नंबर 1 कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो फ्रेंड्स, आई एम फाइन, आई एम गुड, माय हेल्थ इज़ फाइन। एंड एज वी ऑल नो दैट वी आर प्रेजेंटली फेसिंग अ क्राइसिस। इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्स्ट कोविड हिट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। So I pray for your safety, be safe, stay at home and prepare for your examinations. So we have done till illustration number 3. Today we will start with illustration number 4. The question is about evaluating between two machines, new and old. A company S Engineering Limited is considering to replace or repair a particular machine which has just broken down. Last year this machine costed 2 lakh to run and maintain. ओके एंड दिस कॉस्ट हैव बीन इंक्रीजिंग इन रियल टर्म्स। सो कंपनी का एक मशीन है जिसका कॉस्ट पड़ा था 2 लाख टू रन एंड मेंटेन, और ये जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ये हर साल बढ़ते जा रहा है। अ फर्दर यूजफुल ऑफ 5 ईयर इज एक्सपेक्टेड एंड इमीडिएट रिपेयर्स ऑफ 1,90,000 इज़ कैरिड आउट। तो रिपेयर इमीडिएट जो हुआ है उसका 1,90,000 कॉस्ट पड़ा। इफ द मशीन इज़ नॉट रिपेयर्ड इट कैन बी सोल्ड इमीडिएटली, और इसका सैलवेज वैल्यू 50,000 राइट नाउ पड़ेगा अगर रिपेयर नहीं कराते तो। अल्टरनेटिवली द कंपनी कैन बाय अ न्यू मशीन फॉर 4,90,000। ये नया मशीन का कॉस्ट 4,90,000 है जबकि इसका एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल का है विथ नो सैलवेज वैल्यू आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन विद ऑन SLM। इन दिस केस रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल रिड्यूस टू 1,40,000 ईच ईयर। सो R&M कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा 1,40,000 तक, और ये इंक्रीज करने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओके, कंपनी इज़ रिकॉर्डिंग अ नॉर्मल रिटर्न एट 10% पर एनम आफ्टर टैक्स। ओके, और वी हैव टू कंसिडर द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, वी हैव टू फाइंड विच ऑल्टरनेटिव विल बी बेटर। टेक कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 50% एंड अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस विल बी एक्सेप्टेड फॉर टैक्स पर्पज ऑल्सो। ओके, सो वी हैव टू इवेल्युएट फर्स्ट वॉट वी विल डू। सर, एग्जिस्टिंग मशीन को अगर हम लोग रिपेयर करवाते हैं तो उसका कॉस्ट पड़ेगा 1,90,000, उसमें जो टैक्स बेनिफिट हमारा 50% आ जाएगा 95,000। सो नेट ऑफ टैक्स हमारा 95,000 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ रहा है। देन कैलकुलेशन ऑफ रनिंग कॉस्ट, अगर हम लोग नए एग्जिस्टिंग मशीन से ही काम करें तो उसका कॉस्ट 2 लाख पड़ेगा रनिंग कॉस्ट। ओके, तो नेट ऑफ टैक्स मतलब 50% सेव होने के बाद क्या हो जाएगा, तो 2 लाख इन ब्रैकेट 1 - 50%, सो विल गेट 1 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर दैट इज़ 10% 5 साल के लिए, तो हमारा वैल्यू आएगा 3.791। ये 10% 5 ईयर्स के लिए कैसे हो गया, 1/1.10 टू द पावर 5, तो हमारा वैल्यू आएगा 3.791। सो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट निकाल लिए। एडिंग बोथ द कॉस्ट दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट 95,000 प्लस 3,791,000 ऐड करके हम लोग टोटल PV निकाल लेंगे। इसका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर 10% फॉर 5 ईयर्स 3.791। सो वी विल गेट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन दैट इज़ 1,25,059। सेम न्यू मशीन का भी निकाल लेंगे। सो कैश आउटफ्लो कितना होगा, कॉस्ट 4,90,000 का पड़ेगा, और सेल वैल्यू एग्जिस्टिंग मशीन का करेंगे तो 50,000 का हमारा सैलवेज वैल्यू आएगा। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आ गया, 4,90,000 लेस 50,000, सो 4,40,000। देन कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारा 1,40,000 पड़ेगा पर ईयर, और इसमें टैक्स सेविंग 50% हो जाएगा। सो वी विल हैव रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 70,000 फॉर 10 ईयर्स। सो इसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर कर लेंगे, 70,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी फैक्टर फॉर 10% फॉर 10 ईयर्स, सो विल हैव 4,30,000 4,30,150। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन में टैक्स सेविंग कैसे हो रहा है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 49,000 ईच ईयर। बेनिफिट 50% का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 24,500 का। नाउ इसका टैक्स बेनिफिट का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे फॉर 10 ईयर्स एट 10%, सो हमारा वैल्यू 1,50,553 आ जाएगा। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ड्यू टू न्यू मशीन,
कॉस्ट ऑफ परचेज जितना था रनिंग एंड मेंटेनेंस जो हम लोग अभी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, लेस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन. सो हमारा टोटल पीवी आ रहा है न्यू मशीन का 719,597. इसका इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे सेम मेथड से, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 117,103. सो हमारा ये जो वैल्यू है ये एग्जिस्टिंग मशीन से कम आ रहा है. सो एडवाइस यही रहेगा टू रिप्लेस द मशीन विथ न्यू मशीन. क्वेश्चन नंबर 5. एबीसी कंपनी लिमिटेड हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग अ केमिकल प्रोडक्ट बाय यूजिंग मशीन जेड. एक कंपनी है एबीसी कंपनी लिमिटेड, ये एक केमिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है बाय यूजिंग मशीन जेड फॉर लास्ट 2 ईयर्स. नाउ ये कंपनी क्या सोच रहा है टू रिप्लेस दिस मशीन ईदर बाय एक्स और बाय वाई. सो डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है लाइक बुक वैल्यू, रिसेल वैल्यू, नाउ परचेस प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट, वीसी, प्रोडक्शन पर आवर फॉर ईच मशीन्स. नाउ अदर डिटेल्स आर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पर यूनिट 10, एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स 2000, वर्किंग लाइफ ऑफ ईच ऑफ द 3 मशीन एज ऑफ फ्रॉम नाउ इज 5 ईयर्स, सैलवेज वैल्यू फॉर ईच मशीन इज गिवन. कंपनी चार्जेस डिप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. इट इज एंटिसिपेटेड दैट एन एनुअल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ 8,000 पर एनम वुड बी इनकर्ड ऑन स्पेशल एडवर्टाइजिंग टू सेल द एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ मशीन्स. मतलब एडिशनल कॉस्ट 8,000 लगेगा पर एनम ऑन स्पेशल एडवर्टाइजिंग टू सेल द एक्स्ट्रा आउटपुट. तो अगर हमारा एक्स्ट्रा आउटपुट यूज़ हो रहा है तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ 8,000 लगेगा. दिस विल बी यूज्ड इन द कैलकुलेशन. एज्यूम टैक्स रेट ऑफ 40% एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एट 10% इज एज अंडर. सो प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यूज. यूजिंग NPV मेथड वी आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड मेक रिकमेंडेशंस. सो वी हैव टू फॉलो NPV मेथड. सॉल्यूशन, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या क्या है फॉर ईच मशीन. जेड के लिए 110,000, फॉर एक्स 180,000 एंड फॉर वाई 2 लाख. ओके, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. जेड के लिए क्या हो जाएगा, 110,000 माइनस सैलवेज वैल्यू 10,000 डिवाइड बाई 5, दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स के लिए मशीन है. सिमिलरली एक्स के लिए 180,000 लेस 15,000 डिवाइडेड बाई 5 फॉर ईच. वी विल हैव दिस वैल्यू फॉर मशीन जेड 20,000, एक्स 33,000 एंड वाई 36,400. देन वी विल कैलकुलेट पर प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ मशीन. सो यहाँ पर दिया है कि 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, और प्रोडक्शन पर आवर ईच मशीन का 8, 8 एंड 12 है. सो वी विल हैव प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ ईच मशीन 2000 into 8, 2000 into 12. ईच मशीन का प्रोडक्शन हमारा आ गया. देन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल रनिंग कॉस्ट. सो वेरिएबल रनिंग कॉस्ट कहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, हमारा जो यूनिट प्रोड्यूस है मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू गिवन हियर. सी वेरिएबल रनिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर पर यूनिट. पर यूनिट के अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट हमारा गिवन है. सो यूनिट इनटू कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा आ गया. नाउ वी विल कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो. जैसा कि बुक में गिवन है, सेल प्राइस, सेल यूनिट 16, 16, 24, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, 20 एंड 20. देन उसमें ऐड करेंगे वेरिएबल रनिंग कॉस्ट जो हमारा आया वैल्यू फॉर ईच, सॉरी 48,000, 24,000 एंड 60,000. देन यस वी विल हैव यस. देन मटेरियल कॉस्ट एट ₹10 विल बी 16, हमारा जो 16 यूनिट्स था इनटू 10 तो ईच के लिए आ जाएगा. देन एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 92,108 एंड 132. एडिशनल कॉस्ट हमारा थर्ड ईयर में जुड़ेगा 8,000 का. ये क्यों आया है, क्योंकि हमारा पहला 2 साल में जो प्रोडक्शन है वो 16,000 यूनिट का था, बट थर्ड ईयर में 24,000. तो जब हम लोग एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे यहाँ क्वेश्चन में गिवन था कि टू सेल एडिशनल आउटपुट, एक्स्ट्रा आउटपुट, तो हम लोग को 8,000 का खर्चा इनपुट करना पड़ेगा, इनकर करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई हमारा एडिशनल एक्सपेंस थर्ड ईयर में 8,000 यहाँ पर हो रहा है. सो वी विल हैव टोटल कॉस्ट सबको ऐड करके फॉर ईच मशीन्स आ जाएगा. पहला मशीन के लिए 3 लाख, एक्स के लिए 292 और वाई के लिए 44. हम लोग रेवेन्यू से
लेस कर देंगे तो हमारा EBT आ जाएगा, मशीन जेड 20,000, मशीन एक्स 28,000 एंड वाई 40,000. देन वी विल रिड्यूस टैक्स एट द रेट 40% फ्रॉम ईच, वी विल गेट EAT. देन वी विल एड बैक डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन वैल्यू हमारा पहला मशीन के लिए 20,000 था, फॉर सेकेंड 33,000 एंड देन 36,400. सो वी विल गेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो एज 32,000, 49,000, 800 एंड 60,400 रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिफ्थ ईयर के लिए कैश इनफ्लो फाइंड आउट करेंगे. ये फिफ्थ ईयर हमारा टर्मिनल ईयर है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का मशीन का लाइफ ख़त्म हो रहा है. सो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो जो था उसमें हम लोग सेल्वेज वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लो आ जाएगा. अब हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. कैसे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. मशीन जेड के लिए कितना रहेगा? 32,000 इंटू 3 ईयर्स का जो हमारा वैल्यू है वो, प्लस 42,000 इंटू 4th ईयर के लिए, माइनस हमारा कैश आउटफ्लो. ये इनफ्लो जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं फॉर मशीन जेड, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू एनर्जी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर 4 ईयर्स. ठीक है, सो 1 / 1.1 फॉर 4 ईयर्स, 1, 2, 3, 4 4 ईयर्स इसका GT कर देंगे तो 3.169 आ जाएगा. ये वैल्यू हम लोग यहाँ लिए हैं. और 42,000 जो टर्मिनल कैश इनफ्लो है उसको हम लोग फिफ्थ ईयर के PV से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिड्यूस करेंगे 1,10,000 से. सो ये हमारा वैल्यू ऐसा आएगा. सिमिलरली मशीन एक्स और वाई का भी हम लोग निकाल लेंगे और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मशीन वाई का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हायर है. तो इस केस में मशीन वाई का हम लोग को मशीन जेड को रिप्लेस करना चाहिए मशीन वाई के साथ. बट क्योंकि यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट है ईच प्रोडक्ट में ये डिफरेंट है, ईच मशीन में हमारा इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, सो हम लोग ये डिसीजन PI फैक्टर से निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से निकालेंगे. तो PI का फॉर्मूला क्या है? PVCI डिवाइडेड बाई PVCO, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाई कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. सो जेड के लिए क्या हो जाएगा? हमारा कैश इनफ्लो कितना था? 127,522 डिवाइडेड बाई 1,10,000. सो हमारा उसका PI आ रहा है 1.159. सिमिलरली बाकी का भी हम लोग निकाल लेंगे. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मशीन वाई का जो है सबसे हायर PI है. सो मशीन वाई शुड बी कंटिन्यूड, शुड बी परचेस्ड एंड शुड बी यूज्ड. इलस्ट्रेशन 6, एक कम्प्लेक्स लिमिटेड कंपनी है जो कि एक प्रपोजल को इवेल्युएट कर रही है कि वेदर टू बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर अ सेक्शन ऑफ 20 kilometers ऑफ रोड एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹400 करोड़. तो एक 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है ऑफ बिल्डिंग अ रोड. इक्विटी शेयर कैपिटल 100 करोड़, लोन एट द रेट ऑफ ₹15% फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ₹300 करोड़. द प्रोजेक्ट आफ्टर कम्प्लीशन विल बी ओपन टू ट्रैफिक एंड अ टोल विल बी कलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स. सो 15 ईयर के लिए टोल कलेक्ट किया जाएगा बाय द व्हीकल यूजिंग द रोड. कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रोड ड्यूरिंग द अबव 15 ईयर्स. और इस मेंटेनेंस का खर्चा होगा, टोटल टोल रेवेन्यू विल बी 100 करोड़ पर एनम और एनुअल टोल कलेक्शन एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ रोड विल बी 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. कंपनी कंसिडर्स टू राइट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन 15 ईयर्स ऑन SLM बेसिस. फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पर्पज कंपनी इज अलाउड टू टेक डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन WDV. सो यहाँ पे टैक्स पे डिप्रिसिएशन अलाउ किया जा रहा है. द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर अग्रीएबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन इन 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. कैलकुलेट प्रोजेक्ट IRR एंड इक्विटी IRR. इग्नोर कॉर्पोरेट टैक्सेशन. सो जहाँ पर टैक्स को इग्नोर करना है तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. एक्सप्लेन द डिफरेंसेज इन प्रोजेक्ट IRR एंड इक्विटी. सो प्रोजेक्ट IRR का फॉर्मूला है हम लोग का लोअर रेट प्लस NPV एट द रेट लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट लेस NPV एट हायर रेट इन ब्रैकेट HR माइनस LR, दैट इज हायर रेट माइनस लोअर रेट. कोट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. दैट इज़ इस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही कैश आउटफ्लो है 400 करोड़ का. रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा कॉस्ट का 5%, दैट इज़ 20 करोड़. एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट हम लोग का कितना है? लोन अमाउंट डिवाइडेड बाई PV फैक्टर. सो 300 करोड़ का लोन है डिवाइड बाई PVAF 15% फॉर 15 ईयर्स. तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा 5.847 इक्वल्स टू 51.37 करोड़. ये तो गाइस आपको पता होगा कैसे निकालना है, बट फॉर फर्दर रेफरेंसेज लेट मी शो यू.
15% for 15 years. So 1 divided by 1.15, ये 15 years के लिए है ना. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ग्रैंड टोटल कर लेंगे हम लोग, वैल्यू आएगा 5.847. सो वी विल हैव लोन, एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट. कैश इनफ्लो हमारा कितना हो रहा है? टोल कलेक्शन लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस 20 करोड़. तो हमारा टोटल कैश इनफ्लो ईच ईयर में कितना होगा? 80 करोड़. वी नीड टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट IIR. फॉर दैट वी विल कैलकुलेट NPV एट 2 रेट. तो IIR निकालने के लिए NPV 2 रेट में चाहिए, एक हायर रेट और दूसरा होगा कि लोअर रेट. सो एवरेज रिटर्न हमारा कितना आ रहा है? 80 करोड़ पर ईयर आ रहा है और हमारा कैश आउटफ्लो था, मतलब इन्वेस्टमेंट था 400 करोड़. तो एवरेज रिटर्न का वैल्यू है हमारा 20%. कैलकुलेशन ऑफ NPV एट 20%. सो इसका क्या तरीका है? PVCI less PVCO, 80 into PVA फैक्टर 20% पे into 15 years, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 20% पे NPV निकाल रहे हैं, इसलिए 80 करोड़ का हम लोग PVAF कर देंगे फॉर 20% फॉर 15 years less 400. सो वी विल हैव द वैल्यू, हम लोग का वैल्यू होगा -31.15. नाउ ये हमारा हायर रेट के लिए था. सो अब हम लोग लोअर रेट के लिए करेंगे. सो 20 से हम लोग 2 से 3% लेस कर लेंगे. सो 17% पे हम लोग निकालेंगे दूसरा वैल्यू. सो 80 का सेम प्रोसेस रहेगा, जस्ट हमारा यहाँ पे 20% की जगह 17% हो जाएगा. सो वी विल हैव द वैल्यू फॉर लोअर NPV, लोअर रेट. फिर हम लोग IIR कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला में इनपुट करके. LR प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाई NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट, ब्रैकेट में हायर रेट लेस लोअर रेट. हाई हमारा लोअर रेट 17% था और हायर रेट 20% था और उसका वैल्यूज़. सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ 18.36. ये हम लोग का IRR आ जाएगा. ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फॉर इक्विटी. सो टोल कलेक्शन हमारा 100 करोड़ था और रिपेयर लेस कर देंगे फिर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ जाएगा, उससे हम लोग लोन इंस्टॉलमेंट भी लेस कर लेंगे. सो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फॉर इक्विटी, इसका एवरेज रिटर्न निकाल लेंगे सेम मेथड से, 28.69% आएगा. फिर कैलकुलेट करेंगे NPV एट 28%. PVCI माइनस PVCO, हमारा NPV ज़ीरो आ रहा है. व्हेनेवर द NPV ऑफ एनी रेट इज़ ज़ीरो, इन दैट केस द रेट इटसेल्फ विल बी IRR. जब हमारा NPV ज़ीरो आ जाएगा तो डिस्काउंट रेट ही हम लोग का IRR बन जाएगा. देन वी हैव प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट IRR जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं वो 18.36% आ रहा है. एंड देन लोन इंटरेस्ट हमारा 15% पर आ रहा है. सो कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी ऑन लोन कितना आ जाएगा? माइनस कर लेंगे तो 3.36%. टोटल कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी ड्यू टू लोन कितना हो जाएगा? ये वैल्यू को हम लोग 300 टोटल लोन अमाउंट से डिवाइड बाय इक्विटी इन्वेस्टेड, उसमें से इक्विटी का जितना है उससे हम लोग डिवाइड करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे. देयरफॉर हम लोग का इक्विटी IRR अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 18.36% से लेके 10.2% तक. इलस्ट्रेशन 7, एक कंपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये प्लान कर रही है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट जिसका प्रोजेक्टेड लाइफ 8 ईयर्स होगा. इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट 120 लाख का है. एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्ट 10 लाख और ये ज़रूरत पड़ेगा एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर. एट द एंड ऑफ 8 ईयर ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव रिसेल वैल्यू इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ रिमूवल. एडिशनल इक्विपमेंट का सेल्वेज वैल्यू होगा 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 15 लाख. 100% कैपेसिटी में प्लांट 4 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा पर एनम, बट द प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड आर एज अंडर. सो गिवन टेबल में यहाँ पर प्रोडक्शन एंड सेल्स वैल्यूम जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है वॉल्यूम, तो यहाँ पे गिवन है अ सेल प्राइस ऑफ ₹100 पर यूनिट विद अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ 60% इज लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट 16 लाख पर एनम होगा. इन एडिशन टू दिस एड एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी इनकर्ड एज अंडर एडिशनल एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है. कंपनी सब्जेक्ट टू 40% टैक्स, SLM मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन एंड 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल. शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? सॉल्यूशन, कंपटीशन ऑफ इनिशियल कैश आउटले, इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? इक्विपमेंट कॉस्ट 1,20,000 का, 120 लाख का और वर्किंग कैपिटल 15 लाख का. टोटल आउटफ्लो हो रहा है 135 लाख का. नाउ कैश कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, सब इसके पहले हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे.
कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट कितना था, 120 लाख, सैलवेज वैल्यू कुछ नहीं रहेगा 8 ईयर्स के लिए, तो इसका डेप्रिसिएशन 15 लाख आ जाएगा। एडिशनल इक्विपमेंट 10 लाख का है, 1 लाख सैलवेज वैल्यू, और ये बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो 8 - 2 दो साल निकल चुका है, 6 साल के लिए ये इक्विपमेंट रहेगा, तो इसका सैलवेज डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,50,000। तो डेप्रिसिएशन आफ्टर सेकेंड ईयर का वैल्यू हमारा हो जाएगा टोटल, इसको प्लस इसको ऐड करके 16,50,000, और हमारा फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 15 लाख ही हमारा डिप्रिसिएशन रहेगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन यूनिट, तो हमारा यहाँ पे कैपेसिटी दिया था, और तो उस वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ईयर वन के लिए कैपेसिटी 20% दिया है, प्रोडक्शन यूनिट हमारा है 4 लाख, तो 4 लाख का 20% पहला साल में हम लोग 80,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। फॉर सेकेंड ईयर वी विल हैव 30% ऑफ 4 लाख, 120 लाख, सिमिलरली बाकी सालों का भी निकाल लेंगे। नाउ सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा 100 गिवन है, पीवी रेशियो 60, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 आ रहा है, और वेरिएबल कॉस्ट हमारा 40% आ जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ईयर 1, 2, 3 to 5, 6 and 8 सेल्स यूनिट हमारा जो हम लोग निकाले हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे, देन कंट्रीब्यूशन हम लोग कंट्रीब्यूशन हमारा 60 आ रहा था पर यूनिट, तो 60 into 80,000 फोर इतना हमारा वैल्यू आ जाएगा, 4,80,000, हाँ 4,80,000। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए भी 60 into 1,20,000, इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 16 लाख ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, एडिशनल कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है 30 लाख फॉर ईयर वन, 15 लाख फॉर ईयर टू, ये भी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, 10 लाख फॉर ईयर 3 to 5 एंड 4 लाख फॉर ईयर 6 to 8। डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर इनपुट करके हम लोग EBT निकाल लेंगे। ओके, सो डिप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे और हमारा EBT आ जाएगा फॉर ईच ईयर, फिर हम लोग टैक्स उससे डिडक्ट कर लेंगे, एंड देन वी विल हैव EAT। EAT आने के बाद जो डिप्रेशन हम लोग लेस किए थे वो ऐड बैक कर देंगे, एंड वी विल हैव ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फॉर ईच ईयर इज हम लोग का आ जाएगा। नाउ वी विल कैलकुलेट टर्मिनल, हमारा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ चुका है, हम लोग टर्मिनल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग कितना आया हमारा 15 लाख, टोटल करके हमारा 15 लाख का ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ रहा है। टर्मिनल कैश इनफ्लो के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा वर्किंग कैपिटल हमारा लास्ट ईयर में रिलीज़ हो जाएगा 15 लाख का, और सेल ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट हमारा 1 लाख में सेल हो रहा है, तो वो भी हमारा इनफ्लो होगा टर्मिनल ईयर में, तो टोटल इनफ्लो इज ऑफ 16 लाख। उसके बाद हम लोग फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेंगे ईयर वन से लेके ईयर 8 तक। कैश इनफ्लो पहला ईयर में 2 लाख, और जिस तरह से हम लोग निकाले हैं सारा साल का वो सब हम लोग लिख लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच ईयर वी विल कैलकुलेट एट द रेट 15%, और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे विद कैश इनफ्लो, वी विल हैव द वैल्यू, सबका वैल्यू ला के हम लोग एंड में ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, एस लिमिटेड हैज़ 10 लाख एलोकेटेड फॉर कैपिटल बजटिंग पर्पज, द फॉलोइंग प्रपोजल एंड एसोसिएटेड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्सेज हैव बिन डिटरमाइंड एज फॉलोज। सो प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4, 6 तक गिवन है, इसका अमाउंट जितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है गिवन है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी डिटरमाइन किया गया है। नाउ विच ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट शुड बी टेकन, अज्यूम दैट प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल एंड देर इज नो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर कैपिटल बजटिंग। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कैपिटल रेशनिंग का केस है। कैपिटल रेशनिंग का मतलब है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है बट इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो लो है, मतलब जो हमारा फंड है वो यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, फंड की कमी है, ठीक है। और इनडिविजिबल का मतलब हो गया कि उस प्रोजेक्ट को सेपरेटली नहीं कर सकते। डिविजिबल प्रोजेक्ट का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो कि हम लोग सेपरेटली कर सकते हैं, बट इनडिविजिबल हम लोग सेपरेटली नहीं कर सकते। सो हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिवन है, तो हम लोग रैंकिंग निकाल लेंगे बेस्ड ऑन PI। सो हायर PI इज ऑफ प्रोजेक्ट 1, 1.22, सो ये इसका रैंक 1 देंगे। देन सेकेंड हायर PI इज ऑफ प्रोजेक्ट 3, तो इसको रैंक 2 देंगे। सो नाउ अज्यूमिंग दैट प्रोजेक्ट आर इनडिविजिबल एंड देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी एंड सो एंड सो, सो इट इज़ एडवाइज टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट 1, 3 and 5। So based on this ranking, it is advised to undertake the project 1, 3 and 5. However, among the alternative projects, allocation should be made to the project which adds most to the shareholder wealth. और ये हम लोग कैसे करेंगे, through the process of through the method of NPV we will select. NPV के method से हम लोग आगे सब complete करेंगे। Project 1, 2, 3 amount invested इतना, PI इतना, सो विल कैलकुलेट कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम लोग
ये क्यों कर रहे हैं. हैव अ लुक. शो यू. यस सी कैलकुलेशन ऑफ पी वी सी आई एंड एन पी वी. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है पी वी सी आई बाई पी वी सी ओ. सो पी वी सी आई इक्वल्स टू पी आई इन टू पी वी सी ओ. सो यहाँ से हमारा जो पी वी सी ओ है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है और ये भी गिवन है. तो हम लोग कैश इनफ्लोज निकाल लेंगे. वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करके कैश इनफ्लो निकाला गया है और फिर एन पी वी निकाल लिए हैं. दैट इज़ पी वी सी आई माइनस पी वी सी ओ. सो वी विल हैव द एन पी वी. द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द प्रोजेक्ट 1, 2, 1, 3 and 5 एज सिलेक्टेड अबव ऑन द बेसिस ऑफ पी आई विल गिव एन पी वी ऑफ 1,76,000 एंड 1,50,000 विल रिमेन अनस्पेंट. हाउएवर एन पी वी ऑफ द प्रोजेक्ट 3, 4, 5 इज 1,90,000 विच इज़ मोर देन एन पी वी ऑफ प्रोजेक्ट 1, 3 and 5. Further by undertaking project 3, 4 and 5, no money will remain unspent. Therefore, S Limited it is advised to undertake investment in project 3, 4 and 5. We are about to complete this chapter. We are currently running with question number 10. Electromatic Excellers Limited specialize in the manufacture of novel transistor. They have recently developed technology to design a new radio transistor capable of being used as an emergency lab also. So they are currently confident of selling all the 8,000 units that they would be making in a year. The capital equipment that would be required will cost 25 lakhs. It will have an economic life of 4 years and no significant terminal salvage value. During each of the first 4 years, promotional expenses are planned as advertisement, others and variable cost of production and selling expenses will be 250 per unit. Additional fixed operating cost is given 75,000 per year. This is budgeted. The company's profit goals call for a discounted rate of 15% after tax on investment on new product. Income tax rate on average works out 40%. Assume straight line method of depreciation for tax purpose. Work out initial selling price per unit of the product that may be fixed for obtaining desired rate of return. Okay, तो हम लोग को सबसे पहले selling price निकालना है. तो let selling price be X. हम लोग का cost of equipment है 25 लाख. ये हमारा cash outflow हो जाएगा present value में. और depreciation cost minus salvage value divided by life of the machine. सो 25 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0 / 4 years. सो 6,25,000 हमारा सैलवेज वैल्यू डिप्रिसिएशन आ जाएगा. एक्सपेंसेस हमारा ईच ईयर का गिवन है दैट इज़ 1.5 लाख. सो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकाल लेंगे हम लोग. सेलिंग प्राइस हम लोग एक्स मान के चल रहे हैं तो सेल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 8,000 × X. 8,000 हमारा यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस सेलिंग यूनिट जो हम लोग का यूनिट हम लोग कॉन्फिडेंट है सेल करने का वो 8,000 यूनिट्स है. सो 8,000 × हमारा सेलिंग प्राइस एक्स. देन वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा 250 है तो 8,000 × 250 हमारा वैल्यू आ जाएगा. हम लोग बाकी लेस करते जाएंगे एडिशनल एक्सपेंसेस जो गिवन है क्वेश्चन में लाइक एडवर्टीजमेंट एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट डिप्रिसिएशन हम लोग लेस करके हमारा वैल्यू इतना आएगा. देन वी विल लेस टैक्स एट द रेट 40%. सो हम लोग टैक्स लेस करेंगे इस अमाउंट से और इस अमाउंट से तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ई ए टी 4,800 X माइनस 1,710,000. वी विल ऐड बैक डेप्रिसिएशन अमाउंट जो हमारा आया था 625. वी विल ऐड बैक दैट. ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो हमारा आ जाएगा इसको ऐड बैक करने के बाद 4,800 X माइनस 1,085,000. देर इज़ नो टर्मिनल कैश इनफ्लो एज पर द क्वेश्चन. अब क्या करेंगे हम लोग को डिजायर्ड रिटर्न निकालना है. फॉर 15% ऑफ डिजायर्ड रिटर्न पी वी ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू पी वी ऑफ कैश आउटफ्लो. तो हमारा कैश इनफ्लो का पी वी इतना आ रहा था अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं 4,800 माइनस दिस मच अमाउंट. इसका एनुअली फैक्टर कर देंगे हम लोग फॉर 15% फॉर 4 years और कैश आउटफ्लो तो हमारा 25 लाख का गिवन ही है. इसको हम लोग क्रिस्क और सॉल्व करके जैसे मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि अराउंड 399 समथिंग अप्रॉक्स आ रहा है. तो हम लोग उसको 400 लेकर आंसर हमारा 400 X सेलिंग प्राइस का वैल्यू 400 हमारा आ जाएगा. दिस इज़ इट गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल एंड
many of you, I like to read your comments and I really like how you appreciate my work. There's a problem with some of you that I explain too fast or sometimes, yes, sometimes too fast, but I try to put my effort in each video of mine, of whether it be 10 minutes or 15 minutes. And there's a problem, I don't shoot this video with a luxurious iPhone or something like that. This is just a 10K phone with storage space of 32 GB. So there's a general problem which all of us with 32 GB storage capacity phones, we see that the storage space usually gets full. So that's the problem with my phone too. So after, even after that, I try to present you my video with full effort, and this is my time limit. I cannot extend this, extend beyond this limit. So I hope I am able to explain what, as a student, I know, as a struggling CMA student, I should say. So I really appreciate your comments, your appreciation for me. Thank you so much, guys. Thank